जाऊँ, वहाँ वहाँ के कुछ शॉर्ट्स दिखाऊँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। और अभी फ़िलहाल हम सिलीगुड़ी पहुँचने ही वाले हैं कुछ ही देर में, और मैं बस के अंदर हूँ, दिखा देता हूँ आपको एक सेकंड। खास नहीं है, आप एंट्री करेंगे, आपसे आपका अगर आपके पास पासपोर्ट वीज़ा कुछ भी है वो लेंगे, अगर वो भी नहीं है तो आप इंडियन पहचान पत्र जिसको बोलते हैं। बहुत ही अच्छा सीन है, लेकिन रोड थोड़ा खराब होने की वजह से ज्यादा बस फ्लाईओवर पे है। तो गाइस वीडियो में बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज प्लीज, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो कम से कम एक लाइक शेयर तो बनता है ना। तो फाइनली गाइस हम जगह आ चुके हैं जो कि भूटान का बॉर्डर है, अब इसके अंदर एंट्री करेंगे तब दिखाते हैं कुछ आपको नज़ारा। हालांकि यहाँ से पहाड़ वहाड़ दिखाई देने लगा है, बाकी आगे का नज़ारा हम थोड़ी देर में दिखाते हैं। ये जयगांव का बस स्टेशन है, बस स्टैंड जिसको बोलते हैं बस स्टैंड, कुछ खास नहीं है बस स्टैंड, छोटा मोटा बस स्टैंड है, लेकिन जो भी अच्छा है। ये देखिए ऐसा है, आज कल शाम को हम 4 बजे करीब बस में बैठे थे और अभी हम बॉर्डर पे आए हैं, जो कि टाइम हो रहा है 1:46, तो लगभग हमको 16-17 घंटे लगते हैं। इतना दूरी लगता, इतना टाइम लगता नहीं, लेकिन लग गया है टाइम, क्योंकि कुछ ये देखिए यहाँ से आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, भूटान का पहाड़ है। चलिए थोड़ा बस स्टैंड के बाहर जाके देखते हैं बस स्टैंड के बाहर का नज़ारा कैसा है, पर फिर याद दिला दूँ दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, एक सब्सक्राइब बहुत अहमियत रखता है। बाहर कल की दुकान लगी हुई है, बाकी अभी हम अपने लिए होटल में रूम बुक करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं जिसने हम देखिए यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है भूटान का, बस कुछ ही दूर पे है भूटान हमारे से, 2 कदम दूरी। ये भूटान का बॉर्डर है गाइस, देखिए अभी जा रहे हैं बॉर्डर के अंदर ही गाइस। बहुत ही जाम लगा हुआ है, अभी देखते हैं क्या क्या यहाँ पे लगता है वो भी आपको साथ में बताएंगे। बहुत देर के बाद अभी आए हम खाना खाने के लिए, अच्छा खासा है ढाबा टाइप में, अभी ऑर्डर कर दिया, थोड़ी देर में हमारा खाना आ जाएगा, फिर खा के फिर चलते हैं। और एक बात के लिए सॉरी, एंट्रेंस पे मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट एंट्रेंस पे फर्स्ट टाइम आने पर क्या क्या होता है वो ज़रूर बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा आपके साथ, बने रहिए ऐसी वीडियो में, थैंक यू। खाने में हमने ये ऑर्डर किया है जो कि देखने में बहुत अच्छा है, बाकी इसका स्वाद हम खा कर बताएंगे टेस्टी है कैसा है। भाई खाना खाने में तो मज़ा आ गया, रियल में खाना बहुत टेस्टी था, भरपेट खाया भी मैंने। हम सोचेंगे उसको
अभी जो भी बैठे सीना लोहा का लगाने से एक तला सिर्फ भरते है ना, पहले से आपने गलती कर लिया सिर्फ चीना का भर लिया, नहीं तो आपका ये गड्ढा खोल कर सोनीपत से हरियाणा हरियाणा पंजाब से। नहीं फर्स्ट टाइम है मेरा इतना भूटान फर्स्ट टाइम है। अच्छा एंट्री इधर से एग्जिट इधर से। वो बड़ा वाला जो गेट है अभी आए ना ये दिल्ली में पहुंचेगा। स्विच इधर क्या करने पड़ेगा अब से ब्लॉक कर देना पड़ेगा। ओके सर यहाँ पे आईडी कार्ड पास हो गया उस टाइम आए थे उधर से अब जाएगा इधर से। हाँ इधर से गया था ओह यार रास्ता ही चेंज हो गया है तो यार कोई चेंज हो गया एग्जिट एंट्री यहीं से हुआ था एग्जिट यहीं से हो रहा है। ऐसे नहीं मिला नहीं नहीं यहीं जाना है। गाइस बड़ा मज़ा आया वो टाइम घूमने में। अभी चलते हैं आज अपने होटल में जहां रुके हैं गेट दिखाई भी नहीं दे रहा दे रहा है मॉर्निंग में फोटो खींचेंगे बाकी देख लो सीन। ये है सीन भूटान का गेट। तो सॉरी गाइस मैं एंट्रेंस की वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे वीडियो अलाउड मना कर दिया था वीडियोग्राफी के लिए वहाँ के जो पुलिस बोलो या सिक्योरिटी बोलो जो भी है वो थे उन लोगों ने मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं ले सकते। इस वजह से मैं वीडियो नहीं ले पाया बट फिर भी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं। इंट्रेंस में कुछ खास नहीं है आप एंट्री करेंगे आपसे आपका अगर आपके पास पासपोर्ट वीज़ा कुछ भी है वो लेंगे अगर वो भी नहीं है तो आप इंडियन पहचान पत्र जिसको बोलते हैं आईडी कार्ड आरक्षण कार्ड वो दिखाएंगे
उसके बेस पर आप एंट्री कर सकते हैं। वो दिखाएंगे तो फर्स्ट तो आपका फर्स्ट ऑफ तो जैसे आप एंट्री करेंगे आपका लगेज वगैरह आपको स्कैन किया जाएगा, उसके बाद आपका आईडी कार्ड मांग के मतलब वही जो भी है पहचान पत्र लेके उसको स्कैन किया, उसको उसकी डिटेल वो अपने टैबलेट वगैरह में डालेंगे और एक ओटीपी जनरेट करेंगे। मेन पॉइंट कि वो ओटीपी जनरेट करते हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आपका ओटीपी जनरेट होगा एक दिन के लिए, और वो ओटीपी जनरेट होने के बाद वो आपको ओटीपी का स्क्रीनशॉट दे देंगे कि आप मेन गेट पे जाने के बाद वो ओटीपी दिखाएं। उसके बाद जब मेन गेट पे जाते हैं वहाँ पे भी एक प्रोसीजर है कि आपको आपसे 10 रुपये लिया जाएगा और पहचान पत्र ले करके आपका फेस स्कैन किया जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार का, एक सेकंड दिखा देता हूँ, इस प्रकार का एक पर्ची दिया जाएगा। इसमें लिखा कुछ खास नहीं है, इसमें लिखा गया है यूजर फ्री रिसिप्ट रिसीव विद थैंक्स एज सम ऑफ नंबर ऑफ 10, मतलब रुपए 10 यहाँ का भूटान की करेंसी के हिसाब से 10 रुपये। तो आपको एक ही पास मिलेगा, और जैसे ही आप अपना पहचान पत्र दिखाएंगे उसके बाद आप एंट्री कर जाएंगे। यहाँ का एक रूल ये मैं आपको बताना चाहूँगा खासकर कि यहाँ का एक रूल अभी अभी जारी हुआ है, जो कि मैं भी जानकर फिलहाल पहली बार आया हूँ तो मेरे लिए तो नया ही था, लेकिन मुझे जिसने बुलाया था वो बहुत यहाँ के मतलब जाने माने हस्ती थे, उन्होंने बुलाया था। यहाँ का एक रूल है कि अगर आप भूटान वासी हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इंडियन हैं आपके पास वीज़ा पासपोर्ट है और नहीं भी है तब भी एंट्री करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपका पास होना चाहिए। पास का मतलब कि आप भूटान में किस लिए हैं, इंडियन हैं तो किस लिए हैं, अगर वीज़ा है सॉरी पासपोर्ट है तो उसका भी एक पास लगेगा कि आप भूटान में किस लिए हैं, और नहीं है तब भी लगेगा। अगर एक दिन से ज़्यादा, एक दिन भी उसका टाइम है 9 बजे शाम के बाद से आपसे पूछताछ चालू हो जाएगी। अगर 9 बजे शाम के 9 बजे के बाद आप एग्जिट करते हैं भूटान से, जैसे आज मॉर्निंग में आपने एंट्री किया और उसके बाद शाम को 9 बजे के बाद आप एग्जिट कर रहे हैं, तो आपसे पूछताछ किया जाएगा कि आप किस लिए एंट्री किए थे भूटान के अंदर, आपके पास पास है, अगर आपके पास पास नहीं है तो उसका 1200 रुपये चार्ज लिया जाता है। और एक चीज़ और, भूटान का और इंडिया का करेंसी सेम है, नोट चेंज है लेकिन करेंसी सेम है, इंडिया का 1 रुपया भूटान का 1 रुपया बराबर है, तो 1200 रुपये पे लिया जाएगा। अगर आप 1200 रुपये पे नहीं करते हैं तो उसके साथ भी क्या होगा कि आपका चलान कर दिया जाएगा, भविष्य में आप कभी भूटान नहीं आ सकते, चलान का मतलब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा अगर 1200 रुपये पे नहीं करते तो। और हाँ, चलान का मतलब ये सॉरी पास का मतलब ये कि आप भूटान में हैं तो किस लिए हैं का मतलब आप जॉब कर रहे हैं तो कंपनी से जॉब का एक पास बनता है। तो मैं तो वैसे फिलहाल वैसे ही घूमने आया था और मुझे बुलाया भी किसी खास आदमी ने था, तो उस हिसाब से मैं निकल गया और मेरा ज़्यादा टाइम का काम नहीं था, 4-5 घंटे का ही काम था, बस जाना था, विजिट करना था, उनको कुछ समझाना था, समझा के निकल जाना था, तो मैं अपने टाइम से आ गया। तो गाइस ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर भविष्य में कभी भी आपको आना हो और एक दिन से ज़्यादा टाइम लगे तो देखिए, पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, मैं अपने पहचान पत्र के हिसाब से आया था, मुझे जैसा यहाँ बताया गया, मैंने पूछताछ की तो बताया कि अगर पासपोर्ट भी है तब भी आपके पास पास होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड के बाद जारी हुआ है, पहले नहीं था, कोविड के बाद जारी हुआ है। तो कोशिश करें कि पास बनवा के ही जाएं, ट्रैवलिंग वीज़ा का पास बनवा ले, ट्रैवलिंग का पास बनवा ले, कुछ भी चीज़ का। एंड थैंक यू, यही कहते हुए और
एग्जिट के टाइम की तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। एग्जिट के टाइम भी सेम वही हुआ था। एग्जिट में मैंने जब एंटर किया तो वहाँ पे मुझसे 10 रुपये लिए गए और मुझे ये पास दिया गया। फिर से दोबारा ये पर्ची दी गई है, इसमें लिखा गया है 10 रुपये। और ये देने के बाद जहाँ जहाँ मुझे मतलब चेकआउट करना था, चेक इन चेकआउट करना था, वहाँ वहाँ मैंने अपना अपना पहचान पत्र दिखाया। पहचान पत्र दिखाने के बाद सीधा आउट और मैं बाहर आया हूँ। बाकी मार्केट की वीडियो आप देख ही लिए होंगे। थैंक यू। एंड लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो का शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कोशिश करता हूँ, अभी नया नया हूँ, बट कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी ही चीज़ लाऊँ। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तब भी ये होगा। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।